शिव योग। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या कर भगवान महामृत्युंजय से शिव योग की शंभवी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो गुरु को जब बहुत प्रेम उठता है तो सबसे वैल्यूएबल कुछ है देने के लिए, तो वो है शंभवी शक्ति। शंभवी शिविरों में बाबा जी सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र भी साधकों को प्रदान करते हैं, जिसकी शक्ति से साधक के जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता और संपन्नता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। आपकी जो दादी माँ बनाती थी आलू, दो तरीके का बनता था। आलू को छीला नहीं जाता था, धोया जाता था अच्छे से, क्योंकि छिलके में फाइबर है, छिलके में फाइबर है। और वो उसको काट के टमाटर डाल के रसे वाली आलू टमाटर की सब्जी बनाती थी। अब फ्रेंच फ्राई इज हार्मफुल, वो आलू टमाटर की सब्जी छिलके वाले आलू की, वो हार्मफुल है नहीं है? तो वही चीज को कैसे आप ले रहे हो, या आलू को उबाला, उसको मैश किया, उसमें थोड़ी कटी सब्जी डाली, दही डाला जो व्रत में खाते थे, दैट इज अ लो डेंसिटी कैलोरी फूड। और ये हाई डेंसिटी खा करके और इतना जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ गेहूं का कि जो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन है वो बंद हो गया। और सबसे बड़ा ये इंटेस्टाइन्स के ऊपर, आप मानोगे नहीं, 10 साल पुराना मल, फीकल मैटर, वो आपके इंटेस्टाइनल वॉल्स के ऊपर डिपॉजिटेड है। अब न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डायबिटीज हो रही है, क्यों हो रही है? इंसुलिन, वो बोलते हैं पेंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल, पेंक्रियाज बाद में आता है रिस्पॉन्सिबल, पहला रिस्पॉन्सिबल है आपके सेल रिसेप्टर्स, आपके जो 55 ट्रिलियन सेल्स हैं उसमें छोटे छोटे होल्स हैं सेल रिसेप्टर्स, और सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियास, जो कि ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इंसुलिन है ये पुश करती है जो भी चीनी आपने खाई सेल रिसेप्टर्स के अंदर, वहां माइटोकॉन्ड्रियास उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैं चाहता हूं कि आप सबको ये ज्ञान हो, आप अंधाधुंध इधर उधर सबकी ना सुन के, यू मस्ट नो अबाउट योरसेल्फ। अब आपने ये जो कबाड़ भोजन खाया उसमें टॉक्सिन्स हैं, जहर है, उससे सेल रिसेप्टर्स बंद हो गए। मैंने रिसर्च करी थी डायबिटीज के ऊपर, और मॉरिशस जो कि एक नेचुरल कंट्री है, वहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ डायबिटीज है, तो वहां कई हजार लोगों को 6 दिन का मैंने वो शिविर लिया था, उसको पहले मैंने स्टडी किया था उनके खाने पाने, और सक्सेस रेट जो आया था 6 दिन में 80% आया था, 80%। तो वो जो सेल रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो गए बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, प्रेजेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल ऑफ पेस्टिसाइड्स, वो ब्लॉक हो गए। तो टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, और अब जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही हैं इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। अब लोगों के बाल बड़े फटाफट झड़ते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट भी आती, वो डेंड्रफ पूरा सफेद सफेद हो रहा है, वो बोलते हैं वो शैम्पू कर लो डेंड्रफ खत्म हो जाएगी, लेकिन इंटरनल जो मैकेनिज्म है जो डेंड्रफ प्रोड्यूस करने का, बाल झड़ने का, वो तो है, उसको हमने करेक्ट करना है। कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया लोगों को, पेट के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो गई। आयुर्वेद बोलता है
कि अगर ये खराब है तो हर बीमारी की उत्पत्ति जो है इस एब्डोमिनल एरिया से शुरू होती है. इट्स अ फैक्ट. अब टॉक्सिन्स वहां एक्यूमुलेट हो गए, टॉक्सिन्स जो है इंटेस्टाइन ऑफ वॉल पे एक्यूमुलेट हो गए. अब इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा, वो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करते हैं. अब जब ये ब्लॉक हो गई तो वो बी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे भी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और बी 12 एंड 6 डेफिशिएंसी लोगों को होनी शुरू हो गई. अल्जाइमर और जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो होनी शुरू हो गई. आर यू विद मी? तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स. और उसी के साथ साथ जब 10-10 साल का मल अंदर है तो वो जीवाणु जो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वो होने शुरू हो गए. और उसके बाद टांगों में जान खत्म हो गई, लोगों की टांगे वीक हो रही हैं, लोगों की घुटने वीक हो रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है. उसके लिए हम हर उसकी एक अलग गोली खाते हैं, इसकी तो ये खा लो, इसकी खा लो. वी मस्ट ओवरऑल रीजनरेट आवर बॉडी सिस्टम. तो कुछ हर्ब्स, क्योंकि शिव योगियों को हर्ब का ज्ञान बहुत है, पौधों का, एक हर्ब जो कि मैं बहुत समय से मुझे ज्ञान था लेकिन मैं अपने ऊपर इसका प्रयोग कर रहा था, वो है त्रिशक्ति. वो त्रिशक्ति लोगों ने कहा कि इसको कैप्सूल में दे दो, टैबलेट में दे दो, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है. जब आप किसी भी नेचुरल हर्ब को ज्यादा टेम्पर करते हो तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है. चाहे आगे कोई भी लाइलाज रोग हो, इवन कैंसर भी हो, उसकी शुरुआत प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स इन द सेल्स वहां से होती है. तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए? तो ये त्रिशक्ति, एक चम्मच सुबह खाली पेट और एक चम्मच ये पाउडर है, या तो मुंह में डाल के पानी पियो या थोड़ा घोल के पियो. और उसी के साथ हाई फाइबर एंड हाई टर्मरिक कंटेंट वो होना चाहिए. उसके लिए इस्प हरिद, रात को सोने से पहले इस्प हरिद और त्रिशक्ति, और सुबह जो है उठते के साथ ही त्रिशक्ति. तो पहला तो ये देखा कि इंटेस्टाइन्स पूरी क्लीन होनी शुरू हो जाएगी. जिसका जितना मैल होगा, पहला एक दिन उसको थोड़ा सा वो होगा आना जाना, इसलिए संडे से शुरू करो, संडे वाले दिन, हॉलीडे जो भी हो. तो वो इंटेस्टाइनल वॉल जैसी क्लीन हुई, इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तीसरे दिन अपना चेहरा शीशे में देखना. अगर आपके चेहरे पे चमक आ गई, क्योंकि इंटेस्टाइनल वॉल अगर क्लीन होगी तो चेहरे पे चमक आएगी, स्किन की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, यू विल स्टार्ट लुकिंग एज ए यंग बेबी स्किन जो है वो हो जाए, तो त्रिशक्ति काम कर रही है. दूसरा, 7 दिन के अंदर अंदर एक भी बाल नहीं झड़ना चाहिए, खूब मालिश करके देखना. अगर एक भी बाल नहीं झड़ रहा, और वो झड़ेगा भी नहीं, त्रिशक्ति आ गई. फिर उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके देखना, क्या डेंड्रफ रह गई कि खत्म हो गई. इट्स ए इंटरनल मैकेनिज्म. और उसके साथ साथ फिर देखना, अपना चेक करना, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ कि नहीं हुआ,
blood sugar gradual. It's not a medicine for sugar. It's not a medicine for cholesterol. It's not a medicine for beautiful hair. It's not a sundari prasadan that you will look good, but you will look good. Ye to hai. But it's not a medicine. It is a herb food supplement jo detox karta hai sharir ko. Aur gradually wo toxins mein, if the fat content is more, that the medicine, ye herb usko consider karte hain ki ye toxins hain. Aur gradually jo hai wo weight loss hona shuru ho jata hai. Jiska kam hai wo badhna shuru hoga. तो जो जितने भी दोष हैं वो बैलेंस, जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन होगी वो बैलेंस होने शुरू हो जाएगा. एंड रेगुलर यूज ऑफ त्रिशक्ति एंड इज फरिद, आंखों की ज्योति, ये आंखों को अच्छा करता है. जिनको आईज अच्छी करनी है, वैसे तो मैं बोलता हूं सभी लोग इसको यूज करो. रात को एक चम्मच त्रिशक्ति में उबलता हुआ पानी डाल देना, 100 ग्राम 200 ग्राम और रात को भीगने देना. सुबह उसको कपड़े से छान के आई कप में त्रिशक्ति पानी को लेके अपनी आंखों को घुमाना है, आइस वॉश करना, और वो जो है पानी उसको रख देना. रात को सोने से पहले एक बार फिर से वो त्रिशक्ति पानी से आंखें धोना. अगर रेगुलर ये करते रहे तो कैटरेक्ट या आईज प्रॉब्लम्स वो कभी आएंगी नहीं. और जिसकी दृष्टि कमजोर हो गई है, रेगुलर यूज ऑफ त्रिशक्ति, खाना और आंखें धोना, ये दोनों से उसकी नेत्रों की ज्योति जो है वो वापस आ सकती है. मुझे जिस दिन समय मिलेगा मैं आपके फोरम्स में 20x20 विजन, अपना कैसा भी आई साइड हो, आंखों का विजन चश्मा हटा के, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, वो आपको लोगों को फोरम के माध्यम से वो मैं सिखाना चाहूँगा. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता. तो ये त्रिशक्ति का सेवन, और उसी के साथ साथ जब डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो आपको लगेगा शरीर हल्का हो गया, जो शरीर में दर्दें थी खत्म हो गई, और एक एनर्जी का जो फ्लो है वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा. तो कोई, मैं किसी हर बीमारी की दवा आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. आप स्वयं उसको ठीक करो. और अगर आपको हर्बल नेक्टर अमृत चाहिए तो ये, अगर आप चाहते हो कि एनर्जी मेरी बूस्ट हो जाए, तो सुबह जब आप लेते हो इसे एनर्जी बूस्टर, होल डे आप थकोगे नहीं, ताकत बनी रहेगी इसके अंदर. और एक चीज और जो स्टडी करी गई कि जो थिक हो गया था ब्लड वो थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी, खून बनना शुरू होगा, खून पतला होना शुरू होगा, और धीरे धीरे जो आर्टरीज के जो अंदर जो वॉल है वो भी क्लीन होनी शुरू हो जाएगी. सो इट विल प्रोटेक्ट द हार्ट ऑल्सो. तो ये दो चीजें जो है, त्रिशक्ति और इस फरिदा, इसको जीवन का एक अंग बनाओ. लेकिन ये बहुत पावरफुल हर्ब्स हैं, इनको लेने के तुरंत बाद ब्रश करना जरूरी है. सुबह उठते ही पहला त्रिशक्ति लेना और फिर दांतों को साफ कर लेना. रात को सोने से पहले त्रिशक्ति और इस फरिद, एक चम्मच वो लेना, एक चम्मच ये लेना, और फिर दांत साफ कर देना, सो जाना. आप देखोगे कि शरीर एक नया होना शुरू हो गया, उमंग बढ़नी शुरू हो गई. बिकॉज इट्स ए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, शिव योग की क्रियाएं, साधना के द्वारा मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन होगा. हम बोलते हैं शिव योग में साधना सेवा संकीर्तन. अब एजिंग जो है, मैं फिर बोल रहा हूं,
ये ग्राफ ऐसे 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 नहीं, अब जो ग्राफ है शिव योग का ऐसे 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 ऐसे, और जब तक अधूरे काम पूरे ना हो, मैं फिर बोल रहा हूं, यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू लिव, लॉन्गिविटी, हेल्पलेसनेस की लाइफ नहीं जीनी है, तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो, कोई और दूर बैठा विधाता नहीं है जो तुम्हारा भाग्य लिख रहा है, तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा कर्म, वो तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। शिव योग कहता है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब जहां तुम खड़े हो वहां से तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन रीच एनीवेयर, वेयर एवर यू आर इज इमेटीरियल, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू वॉन्ट टू गो। ये इमेटीरियल है कि तुम कहां खड़े हो, पर ये मैटर करता है कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। तो अपना गोल लाइफ का लिखो, ये मैं होना चाहता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, जिससे तुम्हारी जीवन जो है एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक पूर्णता, एक संतोष का जीवन तुम जियो। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, उसको व्यर्थ नहीं गवाना, लड़के नहीं गवाना, रोके नहीं गवाना, ज्योतिषी को दिखा के मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये नहीं करना, क्योंकि ये जो लिखा है, जो आप दूसरे को पढ़वा रहे हो, ये आपने लिखा है, ये नहीं समझ आ रही, इसको फेंक दो, श्रेडर में डाल दो और नया हॉरोस्कोप लिखो अपनी गोल्डन बुक के अंदर। दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, मुश्किल लगेगी, एक बार सक्सेस की तुम्हें आदत पड़ गई, एक बार तुमने सक्सेस टेस्ट कर लिया, उसके बाद सक्सेस ही होता रहेगा। एक बार तुमने शांति आनंद उसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद तुम उसी को ही जीवन में लोगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जीवन, पहली बात, बूढ़े हो गए, बूढ़ा कहना बंद कर दो, मैं सीनियर हो गया। सीनियर हो गए कि नहीं हो गए? मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया, अब मैं ज्यादा वाइज हो गया। बूढ़ा वो कहता है जो डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगा, मैं डिक्लाइनिंग है, मेरी तो प्रमोशन हो रही है। तो ओल्ड होम में क्यों जा रहे हो, वहां क्यों वेट कर रहे हो? मैंने देखा बनारस में बहुत सारे लोग बूढ़े बूढ़िया बैठे, क्यों? कि जी वाराणसी में मरेंगे तो शिवलोक धाम जाएंगे। मैं कह रहे बुद्धू, वाराणसी का मतलब है ये नाक, इसको बोलते नसी, और वारा जो इससे पार होके शरीर छोड़े, तो बनारस में छोड़ने पे शिवलोक धाम नहीं जाओगे। योग के द्वारा जब अपनी चेतना सुषुम्ना से उठा के यहां लेके आओगे तो ही शिवलोक धाम जाओगे, और उसके लिए तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम्हारा नियंत्रण चलेगा। 200% जीवन जीना है तुमको। कैसा जीवन? 200%। क्यों? कि जो बाहर तुम हो वो भी जीवन जीना है, जो तुम भीतर हो, जो इमॉर्टल है, वो जीवन भी जीना है। आए हो संसार में तो जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यू मस्ट एक्सेल, उसको बढ़िया से करो, और जो तुम्हारे भीतर आध्यात्म की शक्तियां हैं, जो अनंत की शक्तियां हैं, जिसको तुमने जागृत करना है, उसके लिए भी इंटरनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो साधना सुबह का समय, देव कर्म का समय, अपने भीतर की यात्रा का समय, तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य पैदा होना नहीं है, पैदा होके बड़ा होना नहीं है, बड़ा होके शादी हो गया, शादी होके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पैदा हो गए थोड़ी बहुत लड़ाई झड़ाई हो गई, उसके बाद बूढ़े हो गए,
उसके बाद मर गए। अब कहा जाता है कि मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है, सारे जीवों से सर्वश्रेष्ठ है, कैसे हुआ? पशु भी पैदा होता है, पशु भी बड़ा होता है, पशु भी शादी करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, पशु भी इधर उधर झगड़ा करता है और पशु मर जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल? मनुष्य में कॉन्शियसनेस है, अनंत है, वो अपने अनंत होने की खोज करता है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना, तुम्हारा जन्म हुआ है यात्रा को पूर्ण करने का। उपनिषद में लिखा है कौन सी यात्रा? नर से नारायण होने की यात्रा, द जर्नी फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। हर रोज हर प्रकार से तुम पहले से और ज्यादा अच्छे होते जाओ। अपने आप से कहो, अपने आप से पूछो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर बेटर एंड बेटर। बेटर होना है, डिटेरिएट नहीं होना, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। आपने एक्सपीरियंस होल्डर होना है, बूढ़ा नहीं होना। आज से बोल दो, ये बूढ़ा शब्द हटा दो, ओल्ड मैन हटा दो। ओल्ड मैन नहीं, वाइज मैन। ओल्ड मैन नहीं, वाइज मैन। मेरी 13-14 एकड़ जमीन है। हमारी खेती में अलग से उसमें हमने गेहूं बोया था, उसमें हमने कोई भी खाद नहीं डाला, उसमें भी पैदावार हमको हमने ये अनुभव किया है शिव योग शक्ति से, उसमें हमको पैदावार अच्छी मिली। हमारा हर साल 2-3 साल से अच्छा गेहूं निकल रहा है, 10-15 क्विंटल निकल आता है। इस बार और अच्छा निकला है पिछले साल की, पहले 7-8 क्विंटल निकलता था, अब उसमें 10-12 क्विंटल, 13 क्विंटल, 14 क्विंटल तक निकल जाता है। ये मसूर है, इसकी क्वालिटी भी हमारी इस बार अच्छी आई है, और शिव शक्ति की जो शक्ति से हमने जो मतलब डाली है फसल पर, उससे हमको पैदावार अच्छी मिली है। पहले हमारा तो उतना बैंक बैलेंस नहीं हो पाता था, इस बार हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है। हम लोग स्वस्थ रहते, खुशहाल रहते, हम शिव शक्ति की कृपा से, इससे हमको सब अनुभव हमको अच्छा फायदा हो रहा है। नमस्कार। जैविक खेती में तो 5 साल लग जाते हैं जमीन के विष को खत्म करने में, और तब जाके जब उसका विष खत्म होगा तब आप उस धरती पर खेती कर सकते हैं। शिव योग कृषि में जो मैंने आपको दीक्षा दी है, पहले दिन से ही पृथ्वी के जो विषैले पदार्थ हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। पहले दिन से ही जो धरती बंजर हो गई थी वो उपजाऊ होना शुरू हो जाती है।